हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम VVF की एक धमाकेदार स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स दोनों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रहने वाला है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी आप स्क्रीन के ऊपर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। इस सेटअप को यूज़ करने के लिए हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, दूसरा हमें यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल नहीं करना है। एंड अगर आप इसको स्टॉक के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसमें आपको स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो हमें एक ऐसा चार्ट फाइंड करना है कि जिसके अंदर सुबह सुबह एक अच्छी खासी रैली आई हो या फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया हो, जैसा कि आप 21 जुलाई की इस चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर आपको सुबह सुबह एक अच्छी खासी अपसाइड रैली देखने को मिल जाएगी। बाद में हमको एक ऐसी कैंडल फाइंड करनी है जो कि इस VWAP से बाउंस बैक ले रही हो। तो मैं इसको जूम इन करता हूँ एंड आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप इस वाली कैंडल को देख सकते हैं, इस कैंडल की जो विक है उसने इस VWAP को यहाँ पर टच किया है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पर हमारी एंट्री होगी, तो इस लेवल पर आपकी एंट्री होगी एंड जो कैंडल का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप इस कैंडल को देखें या फिर इस 3 कैंडल को देखें तो इन तीनों की विक यहाँ पर टच नहीं हुई है, तो हम इसको यहाँ पर इग्नोर करेंगे। बट इस कैंडल की जो विक है वो यहाँ पर टच हो चुकी है। अगर यहाँ पर कोई कैंडल इस VWAP के नीचे क्लोज कर जाती है तो हम इस ट्रेड को यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी कैंडल यहाँ पर VWAP के नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। एंड टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, कैंडल का जो लो है वो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। इसमें आपका फर्स्ट टारगेट 1:1.5 का हो जाएगा, जो कि यहाँ पर डन हो जाता है। सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो वो आपका 1:2 का रहने वाला है, जो कि यहाँ पर करीब डन हो जाता है। एंड उसके बाद भी आप इसके अंदर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हो एंड इस पूरे मूव को यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो, जो कि यहाँ पर करीब 200 पॉइंट के आसपास का मूव है। मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल स्टॉक के अंदर दिखा देता हूँ। तो आप स्क्रीन के ऊपर टाटा स्टील का 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो। एंड आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी एंट्री है वो यहाँ पर 9:45 के बाद ही होनी चाहिए, उसके पहले आपको यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनानी है। एंड अभी आप टाटा स्टील का ये चार्ट अगर देखें तो यहाँ पर सुबह सुबह एक डाउनफॉल आया था, बाद में जो प्राइस है इस VWAP को टच करने यहाँ पर आ गई है और इस वाली कैंडल ने इस VWAP को यहाँ पर टच किया है एंड फिर से हमें नीचे की ओर एक बाउंस बैक देखने को मिल जाता है। तो इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और जो इसकी क्लोजिंग है वो हमारी एंट्री होगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ पर आपकी एंट्री एंड इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस और 1:1.5 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। एंड सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो आपका 1:2 का रहने वाला है और वो भी हमको बहुत ही इजी यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके एक अच्छा खासा ये डाउनफॉल यहाँ पर कैप्चर कर पाओगे, जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:8 का यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको इसमें कौन सी एंट्री अवॉइड करनी है। तो आप निफ्टी 50 का ये चार्ट देख सकते हैं, इसमें सुबह सुबह एक अच्छी खासी रैली आती है, बाद में आप यहाँ पर देखें तो प्राइस इस VWAP के पास आ जाती है बट यहाँ पर कैंडल VWAP के नीचे क्लोज कर देती है। तो हमको ऐसी एंट्री को यहाँ पर अवॉइड कर देना है, क्योंकि ऐसी एंट्री आपको यहाँ पर एक बार प्रॉफिट दे सकती है बट बाद में आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ही लेना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि हम इसको अवॉइड कर दें। ये जो सेटअप है वो यहाँ पर बहुत ही कम बनेगा, पर जब भी बनेगा तो आपको एक अच्छा खासा पैसा भी देकर जाएगा। एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जब भी ये बनेगा तो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर एक सजेस्ट कर दूंगा कि यहाँ पर ये पैटर्न बनी हुई है। तो टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। बाय चांस लिंक काम नहीं करती है तो आप टेलीग्राम के अंदर जाकर स्टॉक सेटअप ऑफिशियल नाम सर्च कर सकते हो एंड वहाँ से भी चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।